सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर जसपाल सिंह सलूजा, स्किन क्लिनिक बिलासपुर छत्तीसगढ़। पोस्ट डिलीवरी या लैक्टेशन के टाइम में स्किन में क्या चेंजेस आते हैं? फर्स्ट इज ड्राई स्किन। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वाटर कंटेंट इन द बॉडी एंड एज वेल एज जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो काफ़ी लो हो जाते हैं। सो हाइड्रेशन, वाटर एंड सेकेंड इज मॉइस्चराइजेशन। अ गुड थिक मॉइस्चराइजर विल हेल्प टू रिड्यूस द ड्राई स्किन। सेकेंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन हार्मोन्स इज एक्ने या रोजेशिया, पिंपल्स का आना या चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाना। फॉर दैट डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट इफ इट इज़ बॉदरिंग यू अ लॉट। थर्ड विच इज़ वेरी वेरी कॉमन इज हेयर लॉस। दिस इज टेम्प्ररी बट इफ इट इज सीवियर डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट एन एक्सपर्ट फॉर दैट। फोर्थ इज डार्कनिंग ऑफ द स्किन स्पेशली ऑन द चीक्स, जिसको हम मेलाज्मा या झाइयाँ बोलते हैं। एंड दूसरा होता है एकेंथोसिस या थिक बैंड्स ऑन द नेक। दिस अकर्स बिकॉज ऑफ वेट फ्लक्चुएशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रेच मार्क्स। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बट इफ इट इज बॉदरिंग यू टू मच डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट।